सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके बाद से ही नागपुर शहर के कई इलाकों में दीपोत्सव मनाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार की रात शहर में दीपावली जैसी रौनक नजर आई। शहर के पोदारेश्वर राम मंदिर में दीपक जलाए गए। इसी के साथ इस मौके पर विशेष शंखनाद का भी आयोजन यहाँ किया गया था। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शहर में विभिन्न जगहों पर सबरे से ही जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज नागपुर का प्रसिद्ध पोदारेश्वर राम मंदिर है, जहां पर हर बार की तरह इस बार भी जो है दियो के जगमगाहट की गई है। बहुत से दिए लगाए गए हैं, आप देख सकते हो किस तरह का माहौल है यहाँ पर और लोग काफी मात्रा में आ रहे हैं। यह एक दृश्य है जो हर बार देखने को मिलता है। बार जो है खास तरीके से लोगों को भी आने दिया जा रहा है, नहीं तो हर बार जो है इस तरह का आयोजन जब भी होता है तब लोगों की आवाजाही और दर्शन बंद किया जाता है। आप देख सकते हो कि जो पोदारेश्वर राम मंदिर है वहां पे प्रांगण में इस तरह का आयोजन किया गया है। मूर्ति स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण और जो है विष्णु जी के हाथों में जो शंख चक्र गदा होती है और उसी के पैमाने पर यहाँ पर जो है दियो से उन आकृतियों को सजाया गया है। यहाँ पर भगवान के नाम भी लिखे गए हैं, साथ ही रंगोली के जो प्रकार है उसको भी दियो से सजाया गया है और यही दृश्य जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस बार नए दौर पर जो है राम कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या में नागपुर में जो है पोदारेश्वर राम मंदिर की ओर से खास तौर पर शंखवादन भी किया जा रहा है। बहुत से जो युवा है वो शंखवादन कार्यक्रम में शामिल हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। इस बार ये शंखवादन किया जा रहा है, क्या बताएंगे आप? शंख अपने भारतीय परंपरा में इसका एक विशेष स्थान है। कोई भी एक पवित्र कार्य करते तो शंख का एक विशेष महत्व होता है। कोई अच्छा कार्य है, मंगल कार्य है तो उसके सिवा वो पूजा और वो मंगल कार्य पूरा नहीं होता। तो ये आज बहुत अच्छा लाखों दीपक लग रहे हैं और ये मंगल कार्य है। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें हम छोटा सा एक हमारे ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। शंखनाथ के माध्यम से एक वो मंगल कार्य में साथ दे रहे हैं। शंखनाथ का ये महत्व है। आज सवेरे से ही जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, आप भी सवेरे से ही जो है विभिन्न कार्यक्रम में रामटेक में यही दृश्य था, किस तरह का आयोजन था वहाँ पे भी? रामटेक में हम 12:40 में जो मुहूर्त था उस मुहूर्त का साक्षी बनने के लिए हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे आरती में भाग लिया, हमने कुछ नए रचनाएं तैयार किए, ढोल ताशा झांझ ये जितने पारंपरिक वाद्य का हमारा समूह है उसके साथ हमने कुछ 4 या 5 ताल तैयार किए थे, उसका सादरीकरण किया, प्रस्तुतिकरण किया और हमने उस माध्यम से आज का रामटेक का कार्यक्रम ये प्रस्तुति किया, सेलिब्रेट किया और आनंद लिया उस कार्यक्रम में। यहाँ पे कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग आए? आज हमारे यहाँ पे 150 लोग यहाँ पे आए हैं शंख पदक में, जो शंख वाले के कुल मिला के, और ये 150 लोग कुल मिला के ये परिसर शंख के नाद से पावन करने वाले हैं। हिंदू संस्कृति में शंख का क्या महत्व है? शंख ऐसा है कि जब महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने पांचजन्य के नाम से जो उनका शंख का नाम था उनका ध्वनि किया था और भगवान ने ऐसे अपने धर्म में मान्यता है कि जब तक के शंकरा दो होता नहीं तब तक के वो कार्य पूरा नहीं होता। अगर आप कोई सत्यनारायण घर घर में कथा कर रहे हो या कोई मंगल कार्य कर रहे हो तो शंकरनाथ अति विशेष स्थान होता है, इससे पॉजिटिविटी आती है, घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है, अपना मानसिक संतुलन इससे बरकरार रहता है और अंदर से जो मोटिवेशन पॉजिटिव पीस असंख्य इसमें फायदे है शंकरनाथ के। कोई भी शुभ काम हो शंख के बिना हो नहीं सकता, आप देख सकते हो किस प्रकार का आयोजन है। बहुत 150 युवा यहाँ पर आए हैं और ये दृश्य जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। आप अगर देखेंगे कि पोदारेश्वर राम मंदिर के बाहर का अगर दृश्य हम देखें तो किस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है दियो की जगमगाहट है विभिन्न आकृतियों के साथ जो है यह दृश्य आप देख सकते हैं। ये जो मंदिर है पोदारेश्वर राम मंदिर, इसको 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी इसी तरह से जो है दियो का जगमगाहट की गई थी मंदिर में। आज जो है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है 500 साल बाद।
एक बार फिर से राम पधारे हैं देश में, उसी के उपलक्ष्य में हर पूरे देश में जो है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर में भी सवेरे से बहुत से कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे और आप देख सकते हो कि नागपुर के प्रसिद्ध पोद्दारेश्वर मंदिर में भी इसी तरह का आयोजन है और जो है बहुत से दियों की जगमगाहट यहाँ पर की गई है। बहुत ही सुंदर यह दृश्य है और लोग काफी शामिल हुए हैं इसमें, बहुत से युवा जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बहुत ही सुंदर यह नजारा है। आप देख सकते हो कि दियों की जगमगाहट में काफी लोग इसका आनंद ले रहे हैं और यह दृश्य आप जो है आज नागपुर से देख रहे हैं। श्री राम के नाम से जो है दिए लगाए गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये दिए लगाए गए हैं। लोगों को काफी खुशी हो रही है कि इस तरह का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है, कि बड़े पैमाने पर जो है युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बहुत से युवा शामिल हुए हैं, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। योगेश हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे। योगेश, आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है, क्या कहोगे इस बारे में? बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हमारे देश के नव युवक को जगाने का काम किया जा रहा है ये सरकार द्वारा। और जैसे आज राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके कारण आज अलग ही रौनक है। दिवाली से अच्छा आज का त्यौहार मनाया जा रहा है और कुल यहाँ पर 1.5 लाख दियों की संख्या से जलाया जा रहा है दीप। दैट्स इट। कौन कौन से आकृति बनाई गई है आज यहाँ पर? इतना सर, राम, जय श्री राम का नाम लिखा है, जय हनुमान का नाम लिखा है, राम का नाम लिखा गया है, साथ ही हनुमान जी का भी नाम गया है, साथ ही हिंदू संस्कृति में जितने भी पवित्र जो आकृतियाँ है उसको भी रेखांकित किया गया है और इस प्रकार से जो है ये पूरे दियों का जगमगाहट किया गया है और बहुत ही सुंदर आयोजन है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो आयोजन है, मुझे बताइए आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? भगवान राम अपने मुख्य स्थान में विराजित हुए, इससे पूरे देश आनंद उत्सव में सरोवर हो गया है। बस उसी उत्सव को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय श्री राम। इस प्रकार से आज लाखों भक्त और लाखों दियों के जो है मौजूदगी में काफी लोग इस पूरे आयोजन का हिस्सा बने हैं। इतिहास में ये जो स्वर्ण क्षण है इसको रेखांकित किया जाएगा। इसके साथ मैं प्रकाश शंकर, कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ NBC News।